फाइनल को टॉस करते हुए बहुत ही शानदार खेल जा रहा है। देखिए शानदार फुटबॉल का घूमने जा रहा है। इस चार नंबर खिलाड़ी क्या कहने अपने टीम को कई बार संकट से उबारा है। ठकरी पाली के साथ जो मैच हुआ इसी चार नंबर के खिलाड़ी ने अपना शानदार प्रदर्शन करके अपने और इसी तरह बिना कोई अंक लिए वापस पटना शून्य भुवनी शून्य। देखते हैं क्या कर पाते हैं, कौन से टीम इस मैच पर अपना खाता खोलती है। एक बार सुना भुवनी भुवनी के खिलाड़ी छह नंबर के खिलाड़ी के पास करते हुए बहुत ही शानदार का मैदान करते हुए व्यक्ति क्या तरफ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। कर रहा हूँ भुवनी के चार नंबर के खिलाड़ी पटना के चार नंबर के खिलाड़ी नाम लेते ही उन्होंने एक अंक लेकर अभी टू चार नंबर के खिलाड़ी करोड़ मेरा करो एक तरफ खुआ एक तरफ खाई क्या कर रहे गिरीश भाई बहुत ही शानदार दोनों टीमों के चार नंबर के खिलाड़ी काफी बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला। पटना के ग्यारह नंबर के खिलाड़ी सभी खिलाड़ियों को सकाने का प्रयास करते हुए भुवनी के मैदान पर क्या शानदार खेल का मुजारा करते हुए इसी तरह बिना कोई अंक लिए ही भुवनी की टीम को हमेशा संकटों से उबारने का भरसक प्रयास करता है। चार नंबर के खिलाड़ी गिरीश भाई बहुत ही शानदार खेल का मुजारा अपने टीम के सबसे मजबूत रेडर माने जाते हैं और जैसे देखा लक्ष्मी चार नंबर के खिलाड़ी गिरीश भाई उनके पिताजी डबरूधर भी इस मैदान पर उपस्थित हैं। उनका कोटा नगर के मैदान पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। चार नंबर खिलाड़ी सुपर टेक लान है बिना कोई अंक लिए अपने हर मैच पर उनका रोड शानदार रहता है। एक बार पूरा सुपर टेकर इतना तीन भुवनी चार बहुत ही शानदार मुकाबला एक अंक के लीड भुवनी के पास काफी अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही भारत और पाकिस्तान जैसे मैच दिखाई दे रहा है। चार टीम का मुकाबला है देखते क्या कर पाते हैं। ग्यारह नंबर के खिलाड़ी भुवनी के खिलाड़ी गिरीश भाई बहुत ही शानदार होनहार खिलाड़ी है युवा स्पोर्ट भुवनी के लिए देखते क्या कर पाते हैं। और बस बार बार जिक्र कर रहा हूं चार नंबर के खिलाड़ी के लिए नंबर के खिलाड़ी दो आदाई एक तरफ को एक तरफ खाई क्या करेंगे ग्यारह नंबर के भाई भुवनी के लिए शानदार ऑफर है। अगर भुवनी टीम को विजय श्री हासिल करके दिखाएगी चार नंबर के खिलाड़ी इसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं फिर अंक लेने का दावा करते हुए है भुवनी छह पटना पांच एक अंकों के लिए भुवनी के पास ग्यारह नंबर के खिलाड़ी भुवनी के मैदान पर बोनस लेने की फिराक करते हुए अभी भी एक अंकों के लिए भुवनी के पास सुपर टेकल आन सुपर टेकल आन है। चार नंबर के खिलाड़ी गिरीश भाई सात छह पटना के पास एक अंकों के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला सात छह पटना एक अंक की लीड इस मैच पर पहली बार दिखाई दे रही है। छह नंबर के खिलाड़ी पटना के मैदान पर और इसी तरह हुआ दो आउट चार नंबर के
नहीं। और दो अटाई चार नंबर खिलाड़ी के लिए। एक लीड पटना के पास, देखते क्या कर पाते हैं फुटबॉल खिलाड़ी। तीन अंकों की मजबूत बढ़त पटना के पास दिखाई दे रहा है। तीन अंकों की बढ़त जीतना है एक बार पुनः भुरभुरी के मैदान पर दो टच करने का प्रयास करते हुए बहुत ही शानदार रेट का पुजारा। तीन अंकों की बढ़त पटना के पास मजबूत बढ़त दिखाई दे रहा है। पुनः छोटे नाटक का खिलाड़ी है, काफी फुर्ती है, काफी चुस्त दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं क्या हो पाते हैं। तीन अंकों के पीछे लड़ रही होगी की टीम, लेकिन बिना कोई अंक नहीं वापस। लक्ष्मीनाथ को अद्भुत खेल का प्रदर्शन करना होगा क्योंकि उनकी टीम तीन अंकों से पीछे लड़ रही है। दस सात टू आर टाई, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, क्या करेंगे चार नंबर के भाई। पटना के चार नंबर खिलाड़ी ये भी काफी चुस्त काफी मजबूत है, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तीन और कुछ ना कुछ करना होगा और इसी तरह लाइन हटे गए पटना के मैदान पर, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। दो अटाई का करोड़ करो का, देखते हैं क्या कर पाते हैं भारत के खिलाड़ी। दो अटाई है और इसी तरह फिर पकड़े गए, पकड़ने पर दो अंक मिलेगा। बारह सात उसी पहली कहा जाइए गुरुपोनी साथ बोनस करना, सुपर डुपर रेट का मुजारा करना होगा। अतिनी गुरुपोनी के पास रेट का मुजारा करना होगा, देखते हैं क्या कर पाते हैं। चार नंबर के खिलाड़ी गिरीश भाई, उनको सुपर रेट का मुजारा करना होगा इस मैच को जीतने के लिए, तभी कुछ कर पाएंगे और इसी तरह फिर पकड़े गए। उनकी टीम नौ अंकों से पीछे चल रही है, सुपर रेट का बजाय करना होगा, चार पांच अंक लेकर आना होगा, चार पांच अंक लेकर आना होगा। एक बार पुनः ग्यारह नंबर के खिलाड़ी टाइम व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी टीम काफी आगे चल रही है, दस आठ अंक से आगे चल रही है। Yeah.
पटना शायद इस मैच पर जीत दर्ज करने के करीब दिखाई दे रहा है। 10 अंक से लीड है 21-11। ये तो पाटन दादा।